हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सफेद बालों को किस तरह से काला किया जाए। सफेद बाल बहुत बड़ी समस्या है, बहुत सारे वीडियोस मेरे इस चैनल पे हैं। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आपको बहुत सारी रेमेडीज मिल जाएंगी सफेद बालों के लिए, बालों के लिए। एंड साथ ही साथ अगर आपको वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक करिएगा और शेयर करिएगा और कमेंट करके ये भी बताइएगा कि कौन सी रेमेडी आप यूज करते हैं, क्या चीज आपको अच्छी लगती है और किस तरह से आप अपने सफेद बालों को या तो छुपा पाते हैं या फिर उसको कम कर पाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको होम रेमेडी शेयर करूंगी, साथ ही साथ आपको बताऊंगी कि अगर आपके सफेद बाल हो चुके हैं तो किस तरह से आप उसको काला रख सकते हैं। अगर आप बच्चे हैं, 14, 15, 16 में है, हेरिडिटरी आपको डर लग रहा है कि अगर आपके बाल सफ़ेद हो सकते हैं आगे, तो आप इन प्रिकॉशंस को यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसा डर भी नहीं है लेकिन आप जानते हैं कि इस लाइफस्टाइल में बहुत सारा स्ट्रेस होता है सबकी लाइफ में, तो स्ट्रेस से भी हमारे बाल सफ़ेद हो जाते हैं, तो उससे बचने के लिए भी आप इस रेमेडी को यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ 100% नेचुरल एंड आयुर्वेदिक रेमेडी और आप इसको ट्राई करेंगे तो कोई हार्म नहीं होगा, बल्कि आपके बाल अच्छे हो जाएंगे, घने भी हो जाएंगे, काले भी रहेंगे। तो ऑल इन वन बहुत अच्छी होम रेमेडी है। प्रॉब्लम है तब भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं है तब भी यूज़ कर सकते हैं और सारे कर सकते हैं। मीन्स 10 साल से ऊपर के बच्चे भी इसको यूज़ कर सकते हैं और 60 साल के बूढ़े भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये होम रेमेडी बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आगे बढ़ूंगी और आगे बढ़ते हुए साथ साथ मैं आपको बताती जाऊंगी किस तरह से होम रेमेडी को बनाना है। इस वीडियो को ज़रूर आप लास्ट तक देखिएगा ताकि मैं आपको ये भी बता पाऊँ कि उसको यूज़ कैसे करना है। बना लेंगे आप, यूज़ नहीं कर पाएंगे अच्छे से तो वो इफ़ेक्ट नहीं दिखेगा आपको, नहीं उसका रिजल्ट आएगा और फिर आपको भी अच्छा नहीं लगेगा और मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। तो आप इसको ज़रूर लास्ट तक देखिएगा और अपना कमेंट ज़रूर बताइएगा कि आप किस तरह से अपने सफ़ेद बालों को किस तरह से छुपाते हैं या फिर किस तरह से उसको काला करते हैं। इस रेमेडी से अगर प्रीमैच्योर ग्रेइंग है तो वो कम हो जाएगी, अगर आपके बाल सफ़ेद हो चुके हैं वो उसकी रफ्तार कम हो जाएगी, अगर आपके बाल काले हैं और इसको आप कंटिन्यू यूज़ करना शुरू कर देते हैं तो आपके बाल सफ़ेद काफ़ी टाइम तक नहीं होंगे, मीन्स काले बाल ही रहेंगे लंबे समय तक। और अगर आप इस रेमेडी को कंटिन्यूस यूज़ करते हैं तो आपके बालों की ग्रोथ भी होगी, हेयर फॉल भी कम होगा, साथ ही साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी जो आपकी हेयर की प्रॉब्लम है, डैंड्रफ है, इचीनेस है, वो सब दूर होगा। दीज होम रेमेडीज वर्क्स वंडर्स, तो आप इसको ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा। तो चलिए देख लेते हैं मैंने किस तरह से इस ऑयल को बनाया है और किस तरह से हमें इसको यूज़ करना है। फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहले मैंने लिया है मेहंदी, मेहंदी के पत्ते मैंने लिए हैं। और अगर आपके पास मेहंदी के पत्ते नहीं हैं तो भी मैं ऑप्शनल आपको बताऊंगी कि क्या यूज़ करना है। इसलिए जो जो इंग्रेडिएंट्स मैंने यूज़ किए हैं पहले मैं उसके बारे में बता रही हूँ, उसके बाद अगर आपके पास जो चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं तो आप स्किप कर सकते हैं या रख सकते हैं, उसके लिए मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूँगी जब ये हम ऑयल बनाएंगे। तो आपने लेने हैं मेहंदी के पत्ते, करीब एक बाउल के जितना मेहंदी के पत्ते लेने हैं। अगर आपके पास ग्रीन पत्ते हों तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर नहीं हो तो आप मेहंदी का पाउडर भी ले सकते हैं। मेहंदी हमारे बालों के लिए अच्छी होती है, बालों को कंडीशन करती है, साथ ही साथ आपके बालों में कलर करने के लिए भी अच्छी होती है। मेहंदी का तेल अगर हम यूज़ करते हैं तो सफ़ेद बालों के लिए अच्छा होता है और आपके हेयर फॉल के लिए भी बहुत अच्छा होता है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो है वो है हिबिस्किस फ्लावर, जिसको हम हिंदी में गुड़हल भी कहते हैं। गुड़हल जो है आपके बालों, गुड़हल में अमीनो एसिड्स, विटामिन ए, सी, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स होते हैं जो आपके बॉल्ड पैचेस मींस गंजेपन को दूर करता है, आपके हेयर फॉल को रिड्यूस करता है। और हिबिस्किस डाइज में भी यूज़ होता है, हिबिस्किस फ्लावर जो है वो आपके बालों को कलर करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो हिबिस्किस इज़ आल्सो वेरी वेरी बेनिफिशियल, इसको आप स्किप नहीं करिएगा। आपके पास फ्रेश हिबिस्किस फ्लावर्स हो तो आप यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसका पाउडर भी ले सकते हैं बाजार से, और नहीं हो तो आप इसको घर पे सुखा सकते हैं, और ड्राई फ्लावर्स भी मिल जाते हैं वो आप ले सकते हैं। इन सब के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बार में दे दूंगी, आप चेक कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने यूज़ किया है यहाँ पे कड़ी पत्ते। कड़ी पत्ते आपको आसानी से मिल जाएंगे, कड़ी पत्ते भी आपके बालों को काला करने के लिए, आपके बालों की ग्रोथ के लिए, हेयर फॉल के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इसमें बीटा कैरोटीन होता है और प्रोटीन्स होते हैं जो आपके हेयर लॉस को रिड्यूस करते हैं और आपकी हेयर ग्रोथ को इंक्रीज़ करते हैं। इसमें अमीनो एसिड्स और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आपके हेयर फॉलिक्स को स्ट्रेंथन करते हैं और आपके स्कैल्प को मॉइस्चर देते हैं। जब आपके स्कैल्प को मॉइस्चर मिल जाएगा तो आपके जो स्कैल्प है वो ड्राई नहीं होगी, जिसके कारण आपके बाल
टूटेंगे नहीं, और अगर बाल टूटेंगे नहीं तो आपके बालों की ग्रोथ होगी। साथ ही साथ जो ये करी लीव्स हम यूज़ करते हैं, ये आपके हेयर फॉलिक्स में डेड स्किन को हटाता है, आप जो कि एक डैंड्रफ का कारण होता है। तो ऑल इन वन करी लीव्स ऑल्सो आर वेरी इंपॉर्टेंट इन्ग्रीडियंट, इसको आपने स्किप नहीं करना है, आपको बहुत ईजिली मिल जाएगा। नहीं मिलेगा तो आप ऑनलाइन इसे ट्राई कर सकते हैं, ऑनलाइन मंगा सकते हैं। यहाँ पे आधा बाउल के जितना मैंने करी लीव्स लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिए हैं प्याज, एक प्याज मैंने लिया है, उसको छील लिया है, छोटा छोटा काट लिया है। फ्रेंड्स, अनियन भी आपके गंजेपन को दूर करता है और आपके बालों को काला करने के लिए भी काम करता है। तो ये जो ऑयल मैं बना रही हूँ ये ऑल इन वन है, आपके हेयर ग्रोथ करेगा, हेयर फॉल को रोकेगा, आपके बालों को काला करेगा, लंबे समय तक काला रखने में हेल्प करेगा। तो ये ऑयल आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। और जो अनियन है उसमें सल्फर कंपाउंड पाया जाता है और ये एंटीऑक्सीडेंट के जैसे काम करता है, आपके बालों को स्ट्रेंथन करता है, साथ ही साथ नए बाल उगाता है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो है गार्लिक, लहसुन मैंने लिया है। यहाँ पे 10-15 कलियाँ मैंने छील ली हैं, और गार्लिक भी आपके हेयर रीग्रोथ के लिए हेल्प करता है। जिनको बॉल्ड पैचेस हैं, जिनके बाल कम हो गए हैं, पतले हैं, वो यूज़ कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, कैल्शियम, जिंक, सल्फर पाए जाते हैं, जो आपकी हेयर ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं। एंटी माइक्रोबियल होता है, जो हेल्प करता है जर्म्स और बैक्टीरिया को किल करने में, जो कि आपके स्कैल्प को डैमेज पहुँचाता है। और सेलेनियम कंटेंट होता है इसमें, जो आपके ब्लड सर्कुलेशन को स्टिमुलेट करता है, जिससे कि आपको मैक्सिमम न्यूट्रिशन मिलता है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ हिबिस्किस फ्लावर्स, हिबिस्किस गुड़ल के फूल मैं यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे 3 से 4 मेरे पास कलियाँ थी, और उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी ड्राई फ्लावर्स। ड्राई फ्लावर्स मेरे पास है, ये घर पे बने हुए हैं, अगर आप चाहें तो इसको घर पे भी सुखा सकते हैं, बहुत ईजिली ये सूख जाते हैं। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ रोज़ पेटल्स, ये भी घर पे ड्राई की हुई रोज़ की पत्तियाँ हैं, गुलाब की पत्तियाँ हैं, आप इसको घर में आसानी से ड्राई कर सकते हैं। रोज़ लीजिए, फूल लीजिए, उसको अच्छे से धो लीजिए, अच्छे से हल्का सा सुखा लीजिए, और उसके बाद उसकी पत्तियों को तोड़ के फैला दीजिए। फैलाने के बाद उसको घर के अंदर ही हल्का सा कपड़ा ढक के, और हमने रखना है 2 से 3 दिन के लिए, वो ईजिली सूख जाती हैं, और इसको आप स्टोर करके रख सकते हो। ये स्किन और हेयर दोनों के लिए अच्छा होता है। बहुत सारी और रेमेडीज़ हैं मेरे चैनल पे, जिसमें मैंने रोज़ पेटल्स को, रोज़ के पाउडर को यूज़ किया है, और ये मेरा घर का ही बना हुआ होममेड रोज़ पेटल पाउडर है, तो आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं। अब इन सब इंग्रेडिएंट्स को मैंने ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया है, अच्छे से आपने ब्लेंड कर लेना है इसको, और हम बनाएंगे इसका ऑयल। ऑयल बनाने के लिए हमने लेना है कढ़ाई, यहाँ पे मैंने लोहे की कढ़ाई ली है, अगर आपके पास है तो लोहे की कढ़ाई ले सकते हैं, अदरवाइज़ आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं। उसके बाद हमने इसमें डाला है कोकोनट ऑयल, यहाँ पे मैंने 100 ml के जितना कोकोनट ऑयल डाला है। ऑयल में पेनिट्रेशन पावर बहुत अच्छी होती है, इसीलिए आप कोकोनट ऑयल लें, या फिर आप तिल का तेल ले सकते हैं। हल्का सा गर्म होने दीजिए और इसमें सारा ये इंग्रेडिएंट डाल दीजिए। सिम पे हम बनाएंगे, लो फ्लेम पे इसको बनाएंगे, और आप देख सकते हैं कि बुलबुले उठने लगे हैं। यहाँ पे मैंने जो ब्लेंड किया था मिक्सचर, उसी को डाला है। थोड़ी देर के बाद, 2 से 4 मिनट के बाद, जब इसके हल्के बुलबुले कम हो जाएंगे, तब हम इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। ड्राई इंग्रेडिएंट्स वो वाले जो हमने लिया है यहाँ पे, हिबिस्किस फ्लावर्स, जो मैंने यहाँ पे सूखे वाले हिबिस्किस फ्लावर्स लिए हैं वो मैं डालूंगी, और साथ ही साथ मैं डालूंगी यहाँ पे रोज़ पेटल्स। तो इन सूखे वाले जो इंग्रेडिएंट्स हैं, इनको आप बाद में डाल सकते हैं। और अगर आपके पास मेहंदी के पत्ते नहीं है तो मेहंदी पाउडर आप यूज़ कर सकते हैं। तो मेहंदी पाउडर आप थोड़ी देर बाद डालेंगे, मींस ड्राई पाउडर्स आप बाद में डालेंगे, और जो गीला वाला हमारा मिक्सचर बना था वो हम पहले डालेंगे, ताकि गीले में से मॉइस्चर निकल जाए, पानी निकल जाए, थोड़ा सा वो पक जाए, उसके बाद हम ड्राई वाले डालेंगे। उसके बाद आपने इसको पकाना है, कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए पकाना है, और आप देख सकते हो कि ये जलना नहीं चाहिए, मींस काला नहीं होना चाहिए। सिम पे हमने बनाना है। जब आपको लगे कि इसका पूरा सत इसमें आ गया है, 10 से 15 मिनट आपको लग जाएंगे, उसके बाद आपने इसको छोड़ देना है थोड़ी देर के लिए, ठंडा होने के लिए, 1 घंटे 2 घंटे के लिए। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये अच्छे से ठंडा हो गया है, और ठंडा होने के बाद आपने इसको छान लेना है। छानने के बाद आपने इसको ग्लास कंटेनर में सेव करना है, और इसको हमने यूज़ करना है कम से कम 2 बार हफ्ते में। और अगर आप रेगुलर यूज़ करते हैं ऑयल अपने हेयर में, तो आप इसको डेली भी लगा सकते हैं, और लगाने के बाद धोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप डेली नहीं लगाते हैं तो आप 2 से 3 घंटे पहले भी इसको लगा सकते हैं, हैंड वॉश करने से पहले। आपने इसको कंटिन्यूस यूज़ करना है, कंटिन्यूस 3-4 महीने आप यूज़ करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। लगाते टाइम
जब आपने लगाना है तो आपने इसको बाउल में निकालना है, और बाउल में निकालने के बाद आप चाहें तो इसमें कैस्टर ऑयल ऐड कर सकते हैं, विटामिन ई ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, और इसका मिक्सचर करके हल्का सा गर्म करके आपने अपने स्कैल्प पे अच्छे से मसाज करना है और इसको ओवरनाइट के लिए छोड़ देना। जी ऑयल मैंने बनाया घर पे, बहुत इफेक्टिव है, और बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आते हैं कि मैम आप ऑयल को बना के बेचें, हम खरीदना चाहते हैं। तो थैंक यू फॉर माई रेमिडीज, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इसको यूज़ किया है और अच्छा वर्क करता है। अगर आप बना लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर आप नहीं बना पाते हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप कोई भी अच्छा मार्केट का ऑयल ले सकते हैं। दिस ऑयल आई कैन मेक, बट अभी बेचने का मैंने कुछ भी सोचा नहीं है। आई विल लुक इन टू दिस मैटर कि अगर आप लोग चाहेंगे तो इस तरह की रेमिडीज, इस तरह के जो मेरे ऑयल्स हैं और फेस पैक्स हैं, हेयर पैक्स हैं, आई वुड लाइक टू एंटर इन टू दिस वेंचर। और फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, तो फ्रेंड्स ये है नेचर श्योर का थुम्बा वॉन्डर हेयर ऑयल। ये हेयर ऑयल है जो आपके बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। नाउ ये आयुर्वेदिक रेसिपी से बना हुआ है, आपकी हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, आपके ग्रेइंग और हेयर फॉल को कम करता है, आपके हेयर काउंट मींस रीग्रोथ करता है आपके बालों में, और लेंथ को भी बढ़ाता है। 110 ml का ये बॉटल है। नाउ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये थुम्बा जो है एक आयुर्वेदिक हर्ब होती है जो आपके आयुर्वेदिक हेयर टॉनिक के जैसे काम करती है, और ये हेयर ग्रोथ, ट्रांजिशन, फॉलिंग ऑफ और न्यू हेयर इन सब में काम करती है। हेयर ग्रोथ का जो साइकिल होता है इसके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। थुम्बा एक डेजर्ट फ्रूट है जो कि पॉपुलर हेयर टॉनिक हर्ब है आयुर्वेदा में, और ये बिटर एप्पल के नाम से भी जाना जाता है। इसके बहुत सारे और भी नाम हैं, और साथ ही साथ ये मेडिकली प्रूवन है कि ये 70% हेयर फॉलिक्स को बैक मींस रीग्रो करे लिए हेल्प करता है और ग्रोथ करता है। जो ये इंग्रेडिएंट है थुम्बा, ये भी फाउंड किया गया है कि ये जो टाइम इनिशिएट रीग्रोथ के लिए जो टाइम लगता है उससे कम टाइम में ये आपकी रीग्रोथ को इनिशिएट कर देता है और फास्टर रीग्रोथ करता है। ये इंग्रेडिएंट बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और ये प्रूव किया गया है मेडिकली। और लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं हमारे स्कैल्प में या फिर स्कैल्प की इन्फेक्शन होती है, वही हमारा मेन कारण होता है हेयर लॉस के लिए, एलोपेशिया के लिए और बाल्डनेस के लिए। आयुर्वेदिक हर्ब से बना है, ये आपकी स्कैल्प के इन्फेक्शंस को कम करेगा, साथ ही साथ आपके हेयर फॉलिक्स को नरिशमेंट देगा। इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में हम जान लेते हैं। इंग्रेडिएंट्स हैं थुम्बा जो मेन इंग्रेडिएंट है, भृंगराज, क्रंज जिसको हम क्रंजा भी कहते हैं, और बहुत सारे और भी नाम हैं, कपूर काचरी, मस्टर्ड ऑयल और तिल ऑयल। सीसम ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है, भृंगराज है, थुम्बा है, कपूर काचरी है, क्रंज है। मींस ऑल दीज आयुर्वेदिक हर्ब्स आर रियली पावरफुल, और जो हमने सीसम ऑयल डाला है वो भी बहुत अच्छा होता है आपकी हेयर रीग्रोथ के लिए। इसको यूज़ कैसे करना है, इसको आपने अपने स्कैल्प और हेयर पे अच्छे से मसाज करना है, कम से कम 15 दिन डेली आपने इसको यूज़ करना है, और आप अपने शैम्पू से इसको वॉश कर सकते हैं, किसी भी केमिकल फ्री नेचुरल शैम्पू से वॉश करें अच्छे रिजल्ट्स के लिए। ये जो है ये बहुत ही अच्छा पावरफुल आयुर्वेदिक हर्ब से बना हुआ हेयर ऑयल है। अगर आप कोई मार्केट का बना इस तरह का ऑयल देखना चाह रहे थे जो आपकी हेयर ग्रोथ के लिए अच्छा हो, तो आप डेफिनेटली इसको ट्राई कर सकते हैं, और इनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बार में दे दूंगी, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। थोंग एक ऐसी हर्ब है जो आपके आयुर्वेदा में बहुत ही इंपॉर्टेंट हर्ब मानी गई है आपके हेयर के लिए। हेयर को ब्लैक रखना, हेयर को लंबा रखना, हेयर को काला रखना लंबे समय तक, इन हर्ब्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ये जो प्रोडक्ट है इसमें यही सब हर्ब्स डाली हुई हैं, और इसको भी आप कंटिन्यू यूज करेंगे तो आपको इफेक्टिव रिजल्ट्स मिलेंगे। 100% नेचुरल ये ऑयल है, इनके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बार में दे दूंगी, आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। तो साथ ही साथ अगर आपको ये होम रेमेडी पसंद है या ऑयल पसंद है या कुछ भी, आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि सफ़ेद बालों को काला करने के लिए आप क्या क्या यूज़ करते हैं, किस तरह से यूज़ करते हैं, ताकि मैं उस पर और वर्क कर पाऊँ और आप लोगों की हेल्प कर पाऊँ। मैं उस पर वर्क करूँगी और साथ ही साथ और लोगों को भी पता चलेगा। आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें, साथ में दिए गए बेल बटन को भी दबाएं, ताकि आगे आने वाले अच्छे अच्छे वीडियोज़ को आप मिस न कर पाएं। तो आगे मिलते हैं अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।